तो हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि पॉलीपस ऑफ नोज यानी आपके नाकों में मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और किस किस तरह प्रॉब्लम रहने के बाद आपको मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, या अगर आपके नाक में ये प्रॉब्लम है तो आप इसे एक्सरसाइज के द्वारा अपने घर पर कुछ दिनों की एक्सरसाइज से कैसे ठीक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, चाहे वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर अर्धसैनिक में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स या तो फिर स्टेट पुलिस हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस भी एग्जाम में आपका मेडिकल लिया जाता है उन सभी के लिए आज का वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे लगा कि हर व्यक्ति को जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने वीडियो बना के आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया थी उस वीडियो पे प्रॉब्लम बताई थी कि ये प्रॉब्लम रहने के बाद आपको मेडिकल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं बताया था, इसलिए आज के वीडियो में सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि नाक में दो तीन तरह की माइनर प्रॉब्लम देखा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके नाक के अंदर, ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि मांस बढ़ जाता है, ठीक है, तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम है और अगर छोटी प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि मेडिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है सो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा बढ़ जाता है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो फिर मेडिकल में आपको जो है पहले एमएस दिया जाएगा जिसे मेडिकल रेफर करते हैं और फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, राइट्स, और इसका जो है कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसके लिए आपको जो है ऑपरेशन करवाना अनिवार्य है, या तो फिर जो फिजियोथेरेपी होती है एक बार आप वहां पे जाके जो है सो इसके बारे में जान सकते हैं, या तो फिर कुछ होम्योपैथी की दवाई होती है अगर छोटी बहुत है तो उससे आपका वो ठीक हो सकता है, मे बी, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका नाक है, ये जो ऊपर का हड्डी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, चाहे वो राइट या लेफ्ट में हो, या तो ऊपर की ओर बढ़ जाता है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है और अगर बिल्कुल माइनर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है और दिख रहा है तो आपको मेडिकल में वहाँ एमएस दिया जाएगा। एमएस को हम आम भाषा में कहते हैं मेडिकल रेफर, उसके लिए एक से दो सप्ताह का टाइम देता है, उसके बीच में आपको ठीक करके जाना होता है, अगर ठीक हो जाता है तो फिर आपको रख लिया जाता है, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, राइट्स। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस कुछ दिनों या कुछ महीनों तक आप इसका एक्सरसाइज खुद से कर सकते हैं। एक्सरसाइज क्या है, नॉर्मल सी, ये जो आपकी हाथ है, इस हाथों को आपको प्रेशर देके थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको इस तरह से खींचना है नीचे की ओर, अगर ये राइट या लेफ्ट अगर टेढ़ा है तो, और अगर ऊपर की ओर टेढ़ा है तो आपको इस ढंग से यहाँ पे जो है सो थोड़ा थोड़ा दबाव देना है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है दो चार दिन में आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन निरंतर दो तीन चार सप्ताह महीना दिन तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये कम होने लगेगा। ठीक है, और ज़्यादातर मॉर्निंग में करें, ये ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, मॉर्निंग में ये होगा कि जैसे आप टहलने के लिए जाते हैं तो आपका जो ओस होता है, सीथ होता है, उसको भी आप अपनी नाकों पे लगा के इसको जो है लगभग 10 से 12 मिनट तक आप जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे, काफी बेनिफिट मिलेगा, राइट्स। और अगर बहुत ही ज्यादा है तो फिजियोथेरेपी में आप जाएंगे, वहां पे जो इसकी कुछ मशीनें होती है, ठीक है, वहां के डॉक्टर जो है बहुत अच्छे ढंग से इसके ऊपर जो है आपको धीरे धीरे मसाज करके और इसको ठीक कर देगा, राइट्स। अब बात रही कि एक जो माइनर प्रॉब्लम होता है सभी लोगों के साथ ये जो है देखा जाता है और इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि ये वाला पोर्शन बढ़ जाना, इससे क्या होता है कि नाक का जो दोनों छीद है वो काफ़ी छोटा दिखने लगता है और आने वाला टाइम में, ठीक है, ये धीरे धीरे आपका रूप बड़ा होते जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी भी डिफेंस में उसका ये मकसद नहीं होता है कि लोगों को छाड़ देना है, उसका ये मकसद होता है कि क्या ये प्रॉब्लम आगे चल के ठीक हो सकता है, या तो क्या ये प्रॉब्लम कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा। अगर इस तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को लगता है तो ही आपको मेडिकल में डिस्क्वालीफाई किया जाता है, अगर अदरवाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, रख लिया जाता है। ठीक है, तो फालतू में जो है बहुत सारे लोगों को जो है इसकी गलत फहमी हो गई है, तो मैं आपको उन सब चीज़ों से अवगत करा दूँ, क्योंकि मुझे जिसके बारे में जानकारी है मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, राइट्स। तो अगर ये प्रॉब्लम हो गया, ये बढ़ गया है, ठीक है, तो अगर छोटी बहुत है तो आप अपने हाथों से इस तरह से करेंगे तो ये भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक ये वाला क्लिप है, ठीक है, ये आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लिप को क्या करना है, धीरे से ऐसे फैलाना है और इन नाकों के बीच में आपको यहाँ पर जाके इसको इस तरह से फंसा देना है, जैसा कि आप मेरा देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आप फंसा के आपको सो जाना है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि दो चार घंटा, पाँच घंटा तक आपको जो है रहने देना है,
इससे इस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, और प्रेशर पड़ने के बाद ये धीरे धीरे जो है सिकुड़ना चालू कर देगा और ये आपका सट जाएगा। हाँ, ये हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा दर्द भी होगा, ठीक भी नहीं लगेगा, लेकिन आप ये डेली 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा करके करेंगे, अपने हाथों से भी करेंगे, ठीक है, तो इससे ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये आपको लग रहा है कि कम नहीं होगा, लेकिन आप इसको जब करेंगे और आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा तो आप 2 से 3 सप्ताह तक करके देखेंगे, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, और बिल्कुल जो भी है वो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही 2-3 तरह का प्रॉब्लम नाकों में आती है और इन प्रॉब्लम को आप इस तरह से जो है सो खुद से ठीक कर पाएंगे, और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फिर आप एक बार जो है मेडिकल में भी जाके मिल पाएंगे। अच्छा, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम भी लोगों के अंदर देखा गया है और उनको डर लगता है कि क्या मेडिकल में मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो मैं आपको बता दूँ छोटी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में डर हो जाती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आइडियल पांडे, आप जो है अपनी फोटो वहां पे जो है क्लिक करके सेंड करें, मैं देखूंगा, या तो फिर इंस्टाग्राम पर भी मैं लाइव आता हूं और मैं इस चैनल पर भी लाइव आता हूं, तो लाइव सेशन में आप लोग जुड़ने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मैं उसके लिए पहले से एक जो है सो जानकारी आपको नोटिफिकेशन दे देता हूं, ठीक है, तो आपको जब भी दिया जाएगा और जब भी मैं लाइव आऊंगा तो बिल्कुल आप लाइव आए और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है आप खुल के मुझे बताएं, ठीक है, मैं उस चीज़ को देख के फिर उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मुझे लगती है कि जो भी आप लोग की कमेंट से, जो भी आप लोग के मन में डाउट से, इस वीडियो के माध्यम से जो है बहुत कुछ क्लियर हो गए होंगे, और इसके बावजूद भी अगर आपके डाउट्स हैं तो बिल्कुल लाइव सेशन में आप हमसे जुड़िए या इंस्टा से आप हमसे जुड़िए, मैं प्रयास करूंगा आपके पर्सनल जो भी डाउट हैं उसे मैं क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।